हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ आलो वेशंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि वेशंग जिला के हेडक्वार्टर आलो पे। और यहाँ मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ एक रिसोर्ट पे, है कोजी रिसोर्ट। और मेरा पीछे जो देख रहे हैं वो यमगो नदी है। और यमगो नदी जो इधर से आते हैं, तो मैं आपको ये कोजी रिसोर्ट को आप लोगों को दिखाने आया हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह में बसा हुआ है यमगो नदी के किनारा। और हमारा जो आलो का रिसोर्ट है, अगर कभी दिन आप आएंगे तो ये है हमारा रिसोर्ट आलो का। और आपको मैं अभी उधर जाके दिखाऊंगा यहाँ का रिसोर्ट को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हम यहाँ अब देखेंगे, यहाँ बिल्कुल करीब से आलो का रिसोर्ट कोजी रिसोर्ट को देखेंगे। चलिए मेरे पीछे देखिए, चलिए। तो ये है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पूरा रूम भरा हुआ है। आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ ये एक टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट है, और जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ बिल्कुल वो यहाँ पर ठहरते हैं। और जहाँ VIP लोग भी आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा रूम, अलग अलग चैम्बर है। आप यहाँ बुकिंग भी कर सकते हैं कुछ किसी प्रोग्राम के या सोशल प्रोग्राम के लिए भी। तो ये एक खूबसूरत जगह है और खूबसूरत स्थान पे बनाया गया है आलो में, बिल्कुल आलो का करीब में है, बिल्कुल सताया हुआ है मेन मार्केट से। आपको मैं दिखाऊंगा बाद में कि कैसे आते हैं यहाँ पे। इस वक्त हम आलो रिसोर्ट के छत पे आया हुआ हूँ। आप मेरा पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड जो बिल्कुल खूबसूरत है, यमगो नदी, द फ्लोइंग ब्यूटीफुल यमगो रिवर, और पहाड़ों का नज़ारा। और ये हम अभी बिल्कुल छत पे आया हुआ हूँ। और ये देखिए, यहाँ से उस तरफ जाते हैं जो यमगो नदी, और आप उधर वो जो देख रहे हो वहाँ आलो शहर वहाँ पर है। हालाँकि ये बिल्कुल करीब में है, लेकिन वहाँ पर आलो शहर बसा हुआ है। और ये हम कोजी रिसोर्ट के काफ़ी ऊंचाई पे आया हुआ हूँ, छत के ऊपर पे। और यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाना चाहा कि ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऊपर का व्यू से फ़ोटो खींचना या वीडियो लेना मत भूलिएगा, तो मैं ये बताना चाहा आप लोगों को। तो यहाँ हम अभी बेलकोनी में हूँ, रिसोर्ट का बेलकोनी। और बेलकोनी का नज़ारा इस तरफ देखते हैं, आप देखिए पूरा नदी को दिखाई देते हैं। और यहाँ बैकग्राउंड नज़ारा और बेलकोनी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारा आलो का रिसोर्ट है कोजी, और कभी दिन आप ज़रूर आइएगा यहाँ विजिट करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ हम रिसेप्शन सेंटर में पहुँच गए हैं, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये रिसेप्शन सेंटर कहाँ है। चलिए, तो यहाँ आपको आके यहाँ रुकना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको रिसेप्शन सेंटर यहाँ होंगे, और अभी मैनेजर शायद कहीं गया होंगे, तो इसलिए आपको हम यहाँ इंतज़ार करवाएँगे। आप यहाँ थोड़ा इंतज़ार करेंगे, हम भी इंतज़ार करेंगे उसका जो मैनेजर को। तो अभी उसको मैं पूछूंगा कि यहाँ का सिस्टम क्या है। तो हम यहाँ रिसोर्ट के थोड़ा और थोड़ा अंदर में यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आप जो भी चीज़ यहाँ वेज नॉन वेज ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए कैसे होते हैं रेस्टोरेंट, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए रेस्टोरेंट, और यहाँ है आप, यहाँ पूरा AC से बनाया हुआ है, और हम यहाँ बैठेंगे। और यहाँ अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऑर्डर करके, तो ऑर्डर करके हम खाएंगे, तब तक आप वीडियो पे बने रहिएगा। आपको मैं दिखाऊंगा इस वक्त हम आलो रिसोर्ट कैसे जाते हैं। अब हम ये रास्ता से जाते हैं, यहाँ से आपको एंट्री मारना पड़ेगा, और हम यहाँ से आए थे ये रास्ता से, ये आलो से होके आते हैं, आलो से होके यहाँ आते हैं। आपको पता लगेंगे कि ये आलो जो है मार्केट का बिल्कुल सामने में है ये रिसोर्ट जो है, और ये हाईवे है कंबा आलो मेचुका की जाते हैं। और ये काइंग कंबा जो भी रास्ता है
वहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। और आप अगर कभी दिन यहाँ आएंगे तो आलो विजिट करेंगे तो आपको यहाँ कोजी में अगर ठहरना है तो ये रिसोर्ट में आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये था आपको सड़क का दिखाना हमको। तो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से आप आलो घुसेंगे तो ये हम अभी बिल्कुल सिपू ब्रिज पे खड़ा हूँ। तो हम यहाँ पे खड़ा है तो आप ये रास्ता जो देख रहे हैं ये बासर से आते हैं, बासर लिखा वाली होके बाम दापोरिजो होके यहाँ से आते हैं और ये जो है आलो की ओर जाते हैं, आलो होके पांगियन होके पासीघाट यिंगक्योंग की ओर जाते हैं। और ये है ग्रिफ का रोड जो हाईवे बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम कम्बा काइंग तातो जाते हैं और यहाँ से आपको कोजी रिसोर्ट जाना पड़ेगा। जाने से बस तोरी से आधा किलोमीटर से भी कम है कोजी रिसोर्ट आपको वहाँ जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त निकल के चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।